सो न्यू डे न्यू व्लॉग एंड वंस अगेन वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा कोलैब किया, थोड़ा सा कोलैब किया शिवम सेनपाई एंड सेनांग व्लॉग्स के साथ। इस वीडियो में बेसिकली मैंने कवर किया है मोटो व्लॉग। जल्दी ना डर लगे मलाई यो भाई कैमरा में हां 360 360 हां यो भाई कैमरा में भाई ये स्टार्ट करते जैसे भाई ले भाई और स्ट्रीट फूड का बेसिकली बिहाइंड द सीन्स होगा एंड ओ केएफसी हारेगा केएफसी जरूर हारेगा हारेगा जस्ट गाइस हैप्पी वैलेंटाइंस डे फॉर द मेन वीडियो यू कैन जस्ट चेक द चैनल। भाई का वो व्यूअर्स को है ना मेरा बहुत बहुत नमस्ते। लिंक रहेगा सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो लेट्स नॉट गेट डिले एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड या पहली बार मैंने मोटो व्लॉग किया है और उसके बाद ही सिर्फ बिहाइंड द सीन दुईटा में कि बीच में काटी में हो तो अरे यो अभी डुम भर एंड एज यू कैन सी उधर व्लॉग का शुरुआत हो रहा है एंड ये वीडियो थोड़ा कोलैब जैसा होगा। सो न्यू डे न्यू व्लॉग एंड वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज का प्लान क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो मोटो व्लॉग होगा एंड मोटो व्लॉग के बाद स्ट्रीट फूड मेरा सुंदर चेहरा बाद में दिखाऊंगा। अभी भाई इज अल्सो अ ब्लगर होइन मोटो ब्लगर हो। सो बेसिकली होइन ऊ भाइ हो यता दादा हो तर पनि आई म सबैभन्दा जुनियर चाहिँ मै हो युट्युबमा चाहिँ मै हो सबैभन्दा जुनियर। ओके सो द प्लान फर द डे इज विल बी हेडिङ टुवर्ड आलुबारी साइड एन्ड आलुबारी साइड से ओके भाया टीवी टावर जाएंगे बाजार एंड चौरस्ता। तो टॉय ट्रेन हैव अ क्लोजर व्यू। तो ठीक बता सके नीचे हैंड यहाँ पर रोड बन रहा है। कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन बिकॉज इलेक्शन इज नियर। इलेक्शन आने वाला है तो इसकी वजह से सब रोड्स बन रहे हैं दार्जिलिंग में। एंड एक्चुअली में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रास्ता बनाना चाहिए एक्चुअली वो मेंटेन नहीं हो रहा। लेकिन जो रास्ता अच्छा फॉर एग्जाम्पल दिस रोड ये अच्छा ही था दिस इज गेटिंग मेंटेन। तो बिफोर वोटिंग दिस एक बार अच्छे से सोच लीजिए एंड वोट। रहे मेरे फेलो राइडर्स एंड एक्चुअली सब मेरे भैया ही है। आई एम द यंगेस्ट एंड सब ब्लॉगर्स के एंड अगर आप दार्जिलिंग से देख रहे हैं या सिक्किम एंड ऑल यू माइट नो शिवम सेनपाई वो राइड कर रहा है एंड द ग्रोइंग मोटो ब्लॉगर सेनांग ब्लॉग। एंड यार सबसे पहले मुझे बजा बजा के बिफोर आई ब्लॉग एक कैंसिल खरीदना होगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड अभी भी टूट गया। एक्चुअली मैंने हेलमेट के ऊपर रखा हुआ था एंड गिर गया हेलमेट से गिर गया तो उसकी वजह से ट्राइपॉड टूट गया। सो राइट नाउ जोर बंगलो पहुँच चुके हैं एंड जोर बंगलो से विल बी टेकिंग दिस लेफ्ट वाया आलू बारी।
एक्चुअली दोनों ही नेपाली में ब्लॉग करते हैं, नेपाली ब्लॉगर फैन सिर्फ मैं ही करता हूँ हिंदी में, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता हिंदी तो बस बैग अगड़ी बोकिदिन्छु ए होइन सिट पनि हेलमेट छ नि त एक्स्ट्रा तपाईँ चाहिँ होइन हुन्छ भयो झर्दैन अब त्यो एन्ड एक्चुली रास्ता काफी छोटा है आलुबारीका त्यो अपना सेफ्टी अपने ऊपर एंड मेक श्योर की वेल कॉर्नरिंग ध्यान देना जरूरी। एक्चुअली ये रास्ता सीधा निकलेगा चौरास्ता के ठीक साइड में है, बेसिकली मैं इस रास्ते कभी कभी आता हूँ एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैक विद दिस रोड। तो बेसिकली मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किए हुए बहुत दिन हो गया, तो इसकी वजह से मुझे मुंह में शब्द ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या किसके बारे में और क्या बात करना चाहिए, लेकिन दो तीन दिन के बाद आई गेट जस्ट हैबिटुअल टू इट एंड उसके बाद कंटिन्यू करूँगा मोटो ब्लॉग। रास्ता छोटे होने की वजह से हम लोग ज़्यादा तेज नहीं भगा सकते, थोड़ा यानी कि मैक्सिमम स्पीड 30 रखना पड़ता है, ऐसे आता है कहा ही था मैंने, ऐसे आता है गाड़ी देख लीजिए, वेरी वेरी स्टीप रोड, वेरी वेरी स्टीप रोड, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, गाड़ी बहुत सारे हैं तो यहाँ पर रुक रुक। एक्चुअली पेड़ को नेपाली में रुक बोलते हैं एंड मेरा टंग स्लिप हो जाता है बार बार, क्योंकि हिंदी में तो किसी से बात नहीं करता आजकल, एंड अगर किया तो व्लॉग में ही वरना खत्म, गुड बाय। तो एक्चुअली अब हम आ चुके हैं तुंगसुंग, तुंगसुंग इस एरिया को तुंगसुंग बोलते हैं एंड तुंगसुंग से सीधे टीवी टावर या चौरास्ता दोनों में एक, एंड अभी हम जा रहे हैं चौरास्ता साइड, सीधे चौरास्ता। एक्चुअली टीवी टावर इस रास्ते से ऊपर जाना पड़ता था, लेकिन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चौरास्ता डायरेक्टली। Don't mind, please. Can I stand up? यहाँ दिन्छ राख्नु कहाँ भन्नु त टोइलेट अगाडि कहाँनिर ए त्यहाँ दिँदैन नि आजकल, होइन त्यहाँनिर अस्ति राखिरहेको होइन कोही बेला उठाइदिन्छ भाइ,
डर लाग्यो मलाई सो गाइस नमस्ते यता चाहिँ यता चाहिँ होइन भाइले चाहिँ हिन्दीबाट भ्लग गर्छ नि त सो भाइ भाइका भ्युअर्सको होइन मेरा बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते सो गाइस आज होइन हामी आएको छौँ यता स्ट्रिट फुड टेस्ट गरिरहेको छ सो दिस इज आवर फर्स्ट थिङ अन्त म र शिवम दा खालि छ साबस दा र भाइ चाहिँ सरी भइरहेको छ ठिकै छ होइन सो दिस इज आवर फर्स्ट थिङ अन्त यो पछि त्यो पछि त्यो पछि धेरै 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 हेप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे जस जस भाइ खाएको तिमी खाएको देखाउनु न देखाउनु भाइदिउँ ल नडाटी बना दामी ला उयो त दामी त्यो दिन्छौँ अगाडि पिरो पनि ठिकै छ मेरो लागि सो टुडे आई विल जस्ट बी डुइङ विथ बिहाइन्ड द सिन्स ही गरौँगा सर एक्चुअली स्ट्रिट फुड का मैंने पहले भी किया था सो जस्ट हैव अ लुक ओन्ली बिहाइन्ड द सिन्स ओके गाइस थ्याङ्क यू सो मच अब यो कौड यो झन् दामी छ केस ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे खाउँ त एकपल्ट लु यहाँ अब खाँदा त बेटर देन केएफसी अचारै दामी हुन्छ खाजु अझै त्यसलाई ललिपप तार्नु पऱ्यो ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे अरे थ्याङ्क यू बाई बाई एकछिन भन्दै राख्दै हुन्छ न गयो ल ओके ब्रो
भन्नु चाहिँ म ज्यादा केही छैन कवि भाइ जान्दैछ भाइलाई चाहिँ बाई बाई भन्छु सो कवि भाइका च्यानल जित्ने पनि लोक देख्थेँ मुझे पनि देखेँ होइन मेरा लिङ्क रहेगा नीचे लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा अभियसली होगा मुझे पनि देखिए मे मोटो ब्लग गर्दा हो दार्जिलिङ देखाता हो बुझ्नु है नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा भिडियो पनि आएगा ये मेरा भाइ भाइ मे बी भाइकै भिडियोमा आएगा।